भूत पूर्वज भी जानता है कि शिव जगत के गुरु हैं और वही गुरु का काम करने हम लोग इस गुरु मंच तक आते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। आइए कि गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा शिव, अखंड योगी राज कहलाते हैं। अन नहीं धन नहीं और भूषण नहीं फिर भी गुरु परम दानी कहलाते हैं। भिखारी होकर भी औरों को घर धन से भर जाते हैं। जो घटे भयंकर नाम शिव शंकर फिर भी नाश करते हैं। चरण से थाम रखते हैं हाथ की रेखा बदल जाते हैं। आइए पहले भजन को श्रवण कीजिए, उसके बाद शिव के बारे में कुछ चर्चाएं होगी। कि शिव के चर्चा करवा सुनवा दुखवा दूर होई, दया जरूर होई हो। शिव के शिष्टा शिव के शिष्टा शिव गुरुवर के मंजूर होई, दया जरूर होई हो। शिव के शिष्टा जैसे गुरु, जैसे हमारे मेही बाबा को गुरु मानते हैं ना, तो गुरु का उपदेश जो है उनको मानते हैं तब वो गुरु आपको मानेंगे। इसलिए महादेव से अगर नाता रखते हैं तो उस आधारित चलना होगा, शिवमय होकर तभी जीवन में कल्याण होगा। ये सुनिएगा भजन को कि शिव के चर्चा ओ शिव के चर्चा करवा सुनवा दुखवा दूर होई, दया जरूर होई हो। सिस्ता शिव गुरुवर के मंजूर होई, दया जरूर होई हो। शिव के चर्चा करवा सुनवा दुखवा दूर होई, दया जरूर होई हो। दरबार हो अर्जीनक किरो यहवा होला इनकार हो। इस दरबार में जितने देर ही आप बैठेंगे, अगर तन मन धन सारा चीज इस महादेव के दरबार में समर्पित कर दें तो एक नशा कहलाता। जैसे
जैसे भक्ति भंग के नशा में चूर होई दया जरूर होई हो कि बारह महीना वाला हवे शिव के दरबार हो अर्जी न केकरो यहवा होला इनकार हो। हे भाई बहन, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग भजन हो या चर्चा एक ही उद्देश्य लेकर इस गुरु मंच तक आते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपका भी गुरु हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में दादाजी हैं ना, अगर आपके घर से कोई सदस्य बाहर जाने लगते हैं या कोई छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाने लगते हैं तो आप कहते हैं ना कि जाओ दादा से आशीर्वाद ले लो, कहते हैं कि ना कि जाओ दादाजी से आशीर्वाद ले लो। और बच्चा जाते हैं और दादाजी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं, दादाजी सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बटवा से पैसा निकाल कर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? दादाजी ने उनके पिताजी को पहले ही सारा धन संपत्ति सौंप दिए हैं, इसलिए दादाजी सिर्फ आशीर्वाद का पात्र हैं। मैंने कहा कि दादाजी उनके पिताजी को सारा धन संपत्ति सौंप दिए हैं। जैसे हम लोग महादेव से कहते हैं, हे बाबा अब की बार अगर हमारी जमीन रस्टरी भा जाए तो दुद्दू को कामर लेके जेबो, दुद्दू को कामर ले। हे बाबा अब की बार अगर हमारे घर में एक ट्रैक्टर भा जाए तो हम दोनों तो जेबे करब, मैयो बाबू के लेने जेबो। बाबा से मांगते हैं। मैंने पहले भी कहा कि गोद में बिठाए रखते हैं गिरजा को सदाशिव, अखंड योगी राज कहलाते हैं। अन नहीं धन नहीं, अन नहीं धन नहीं और भूषण नहीं, भूषण मतलब सिंगार नहीं, अन है नहीं धन है ना सिंगार है, अन नहीं धन नहीं ना भूषण नहीं, फिर भी गुरु को परमदानी कहलाते हैं। भिखारी होकर भी औरों को घर धन से भर जाते हैं, चरण से थाम रखते हैं, हाथ की रेखा बदल जाते हैं। हे भाई बहन, इस महादेव के पास कुछ है, आप लोग देखे होंगे महादेव के दरबार में अगर कोई भी गए होंगे तो उनको लंगोटा के सिवा कुछ महादेव को बचा हुआ है। अच्छा चाची, इस महादेव के पास क्या धन दौलत है? नहीं है ना? है धन दौलत है? नहीं है ना धन है ना दौलत है ना गाड़ी है मकान है। हम लोग के पास धन है दौलत है, हम लोग के पास सबके पास धन दौलत गाड़ी मकान कपड़ा सिंगार हर चीज रहते हुए ये महादेव ये बूढ़ा, इनको घर घर में कोई बूढ़ा बाबा मानते हैं, कोई महादेव कहते हैं, कोई जगत गुरु। जैसे हम लोग आप लोग भी जानते हैं कि ये जगत का गुरु है तो मेरा गुरु क्यों नहीं? अगर जगत का गुरु हो सकते हैं तो इन्हीं को क्यों ना गुरु बना ले। हम लोग वही किए हैं, गुरु बना करके आप लोगों के बीच गुरु का संदेश देने आए हैं। हे भाई बहन, इस महादेव से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दया मांगना है कि हे महादेव हम यहाँ कशिश थी, हमारे यहाँ गुरु छा, हमारा पर दया करो। आइए दरबार में भजन कर श्रवण कीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ विचार की ओर। कि बारह महिमा वाला होवे इनका दरबार हो, करो यहवा होला इनकार हो अर्जी न करो यहवा होला इनकार। जे भक्ति भाव के भांग के नशा में चूर होई दया जरूर होई हो। चर्चा करवा सुनबा दुखवा दो